हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। मार्केट वाली समोसा कचौड़ी सबको पसंद आती है और लगता है कि गर्मा गर्म मिल जाए वो, जब इवनिंग में निकलो या फिर मॉर्निंग में कभी बाहर घूमने जाओ और गर्मा गर्म जो हलवाई वाली मिलती है तो लगता है कि वाह, अब तो खा ही लो। बट खाने के बाद लगता है ना कि एक रिग्रेट रह जाता है कि हमने मैदा कंज्यूम किया। बट कुछ उसी तरह की कुछ चीज़ें जब हम आटा में बना ले और वो हेल्दी हो और 10 से 15 मिनट में बन जाए तो लगता है कि चलो सेटिस्फैक्शन मिल गया कि आज हम अपने घर वालों को और अपने लिए कुछ अच्छा हेल्दी स्नैक्स बनाया है, जो ब्रेकफास्ट हेल्दी भी हो और खाने में एकदम लजीज हो और समोसा कचौड़ी जिसके सामने फेल हो। चलिए आज मैं वैसी ही रेसिपी लेकर आई, तो चलिए बनाते हैं गेहूँ के आटे से बनने वाली एक मज़ेदार सी रेसिपी। उसके लिए मैंने 3 आलू लिया है, उबले हुए आलू लिए और उसे छील कर अच्छे से कद्दूकस कर ले, या फिर आप पोटैटो मैसर होता है ना उससे भी मैश कर सकते हैं। बट मैंने सोचा कि कद्दूकस करने के बाद ये थोड़े से एकदम बारीक हो जाएंगे, एकदम फाइन रहेगा ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, एक भी गुठलियाँ नहीं रहेगी। इस तरह से इसे बारीक एकदम कर लेना है, एकदम अच्छे से मैश कर ली। और उसके बाद मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ले लेना है और उसे बारीक बारीक कट कर लेना है। जब हरी मिर्च कट जाए, पहले मुझे लगा कि 2 हरी मिर्च एनफ होगी, बट थोड़ी सी होती है ना समटाइम्स मिर्ची थोड़ी तीखी कम होती है, तो मैंने सोचा 1 मिर्ची और डाल देती हूँ। थोड़ी सी जब स्नैक्स बना रही हूँ मार्केट जैसे, थोड़ी सी स्पाइसी तो होनी ही चाहिए ना, चटपटी हो और तो खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। यकीन मानिए इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि खाने में के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और उसके बाद मिर्ची कट करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और एक डब्बू में हमने स्पैचुला में मैंने 1 चम्मच सरसों तेल डाला है, उसमें थोड़ी सी 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाला है और जो कटी हुई हरी मिर्च थी ना वो मैंने तड़के के लिए रख दिया, थोड़ी सी इसे भून दूंगी। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और जिस तरह से हमारे तड़के तड़क रहे हैं उसके बाद मैं इसमें स्वादानुसार नमक मिला दूंगी। आप नमक स्वादानुसार ही डालें जैसा आप नमक खाना पसंद करते हैं। और जब हमारे जो जीरा तड़क रहे थे उस जब तड़का फ्राई हो जाए तो उसमें थोड़ी सी मैंने एक पिंच के लगभग हल्दी डाली, थोड़ी सी कलर आ जाए तो अच्छी लगेगी आलू में भी। और उसके बाद थोड़ी सी इसमें 2 पिंच के लगभग कलौंजी डालना है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को आप क्रश करके डाल दें हाथ से, और थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप धनिया पत्ती बारीक कटी हुई डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यकीन ये इतनी स्वादिष्ट बनेगी ना कि आप मार्केट वाले समोसे का स्वाद भूल जाएंगे, ये इतनी स्वादिष्ट होती है। सबसे पहले मैं मधु अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आगे की रेसिपी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी मैं रेसिपी डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अब आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बॉल में मैंने 1 कप आटा लिया है, उसमें 1/2 छोटी चम्मच मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन, जिसे जमाइन मंगरेला जिसको कहते हैं, अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके ही डालें, 1/2 छोटी चम्मच डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून तेल डाल देना है, मैं सरसों तेल गरम सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी तेल आप खाना पसंद करते हैं, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी तेल आपको पसंद हो अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि जब हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना तो एकदम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद पानी डाल के इसे पूड़ी वाला डो जो होता है ना, पूड़ी वाला डो लगा लेना है, पूड़ी कचौड़ी वाली डो, ना ही बहुत हार्ड लगाना है ना ही बहुत सॉफ्ट, एकदम 1/2 छोटी गिलास पानी डालकर इसी का एकदम सख्त सा डो, मीडियम सख्त डो लगा सकते हैं, जैसा पूड़ी का एकदम जैसा एकदम सेम कि आप बिना आटे लगाए इसे बेल सकें वैसा डो लगा लेना है। थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर ले। जब हमारा डो तैयार हो जाए तो इसे साइड में रख दे, देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद, और इसके 2 बड़े लोई बना लेंगे हम, 2 पेड़े बना लेंगे, एकदम बड़े साइज के पेड़े बनाए। इतने में आप 4 फैमिली के लिए एकदम आराम से
बना सकते हैं ब्रेकफास्ट, एकदम 10 से 15 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। और गेहूं का आटे का मैंने इस्तेमाल किया और ये हेल्दी भी है, मैदा है नहीं कि आपको रिग्रेट होगा खाने के बाद। गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ इस वजह से ये बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है और क्रिस्पी तो मत ही पूछिए, इतनी क्रिस्पी है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे अपने घर वालों के लिए। और जब पेड़े को हम इस तरह से एकदम पतले बेल लेंगे, देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा पतला ना बेले, पूरी से थोड़ा सा मोटा बेले, एकदम बड़ी सी एकदम रोटी इसकी बेल लेनी है। देखिए मैंने कोई भी सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं किया, परथन वगैरह किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, एकदम मैंने एकदम सिंपल ऐसा आटा लगाया था कि वो बिना सूखा आटा लगाए हुए ये अच्छे से बेल जाए। इसे अच्छे से बेलना है, देखिए इस तरह से। बच्चों को ये खिला देंगे ना, बच्चे तो इतने खुश होकर खाएंगे ना, बस टोमेटो केचप मिल जाए या फिर हरी चटनी बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ हरी चटनी बना लें, खट्टी मीठी इमली की चटनी अगर बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। सुबह सुबह अगर बहुत हड़बड़ी होती है तो आप रात में आलू वगैरह बॉयल करके रख ले और उसके बाद सुबह सुबह ये एकदम 15 मिनट में आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं, इतनी टेस्टी ये लगेगी। अब बच्चे आराम से चट कर जाएंगे। और जब हमारी रोटी बेल ले उसके बाद आलू को जो हमने मिक्स किया था, आलू के मिश्रण को इस पर अच्छे से फैला देना है। इतने आलू में और इतने आटे में आप कम से कम 4 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट नाश्ता बना सकते हैं। देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से लेयर इसका लगा दे देना है। और उसके बाद मैंने एक कटोरी में 2 टेबल स्पून के लगभग मैंने एक आटे का स्लरी तैयार किया है, 1-2 चम्मच पानी डालकर एकदम लिक्विडी सा सेमी लिक्विड स्लरी तैयार कर ले आटे का। और आलू जब इसमें पूरे फैला दे उसके बाद इसे हल्के हाथों से एकदम रोल करते जाना है। लुक एट दिस फ्रेंड, एकदम इसी तरह से एकदम करना है आपको, एकदम पिन व्हील समोसा मैं बना रही हूँ, पिन व्हील समोसा जो आटे का है। एकदम देखिए एकदम हो रहा है ना कि चक्री की तरह ये गोल गोल घूम रहे हैं। इसी तरह से रोल करने के बाद जब लास्ट लेयर बचे हमारी तो वहीं पे हम आटे की जो स्लरी बनाई थी मैंने ये इस तरह से, और उसे अच्छे से लगा देना है ताकि ये आपस में चिपक जाए। और जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं, देखिए इस तरह से। आप चाहे तो इस समय हल्के से सूखे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मेरा चिपक रहा है रोल तो आप हल्के सूखे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं कोई भी सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा सरफेस को अच्छे से पोंछ दे कपड़े से ताकि थोड़ी भी गीली हुई स्लरी इस पर ना लगे रहे ताकि वो चिपके नहीं। और इसे नाइफ की सहायता से एक मीडियम साइज़ में आप इसे चकरी की तरह कट कर ले, देखिए इस तरह से एकदम बराबर बराबर पीसेस में इसे कट कर लेना है। मेरे कहने पे एक बार इस तरह से आप जरूर बना कर ये नाश्ता, टेस्टी क्रिस्पी एंड हेल्दी नाश्ता अपनी फैमिली को खिलाए, अपने बच्चों को खिलाए, वो खा कर एकदम आपके फैन हो जाएंगे। वो कहेंगे अरे समोसा बाहर से क्या ला रहा मम्मा, यही वाला बना दो, ये इतनी टेस्टी है कि मत पूछो, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब बच्चे स्नैक्स के रूप में भी खाएंगे और आप लंच बॉक्स में भी दे देंगे ना, तो वो बच्चे एकदम आराम से, वो होता है ना कि समटाइम्स बच्चे टिफ़िन लौटा कर ले आते हैं, बट आप ये वाला टिफ़िन में दे देंगे तो वो कभी भी टिफ़िन लौटा कर नहीं लाएंगे, इतनी टेस्टी लगेगी खाने में उन्हें। देखिए इस तरह से जब वो हमारे व्हील समोसे बन जाए तो उसमें स्लरी में डिप करके इसे उलट पलट दे ताकि ये कोटिंग इस पे लग जाए, और फ्राई करे तो ये खुले नहीं। देखिए इस तरह से हमें डिप करके इसे फ्राई कर लेना है मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। मैं यहाँ फ्राई करने के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइन में भी तल सकते हैं, घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बट घी में मत ही करिएगा क्योंकि समोसे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा नहीं आएगा, इस वजह से आप सरसों तेल या फिर रिफाइन का इस्तेमाल करें, फॉर्चून का हो या फिर किसी भी कंपनी का हो आप उसका इस्तेमाल करें। और सरसों तेल में जब भी कुकिंग करें ना तो आप उसे अच्छे से जला लें और उसके बाद एकदम फ्लेम को लगभग बंद के लगभग कर दें, एकदम सिम पे कर दें, उसके बाद ये गर्मा गर्म ये समोसे तलने के लिए उसमें डालें। और जब एक बार हो जाए ना कि
दो मिनट हो गए हैं, तो उसके पलटने के बाद आप इससे थोड़ी सी मीडियम को, फ्लेम को मीडियम कर दें। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना इसे फ्राई करें, क्योंकि आपके ना वो हो जाएंगे सौगी सौगी टाइप के लगेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आप मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे ना तो ये इतने क्रिस्पी लगेंगे ना कि लगेगा क्या खा के मज़ा आ गया। देखिए लुक एट दिस फ्रेंड, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं देखने में। और जब ये थोड़े सुनहरे हो जाए, क्रिस्प लगे कि अब हाँ अब ये पूरे तरह से क्रिस्पी हो गए, तो आप इसे निकाल लें इस तरह से। गर्मा गर्म पिनव्हील समोसा खा के मज़ा ही आ जाएगा आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो। देखिए इस तरह से फ्राई करने के बाद एक बैच मैंने तैयार कर लिया, एक बैच में मैंने 4-5 समोसे को फ्राई किया है, और उसके बाद मैं दूसरे बैच डाल रही हूँ। मैंने दो बैच में ही बनाया, बाकी के मैंने सोचा कि अब इतना कौन ही खाएगा, हम लोग दो लोग हैं खाने वाले, तो फिर मुझे लगा कि अब चलो आलू का पराठा उसका लेफ्ट ओवर का मैंने बना दिया। और उसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे गर्मा गर्म पिनव्हील समोसा के साथ टोमेटो केचप, वो फ्राई वाली मिर्ची मिल जाए तो आह परफेक्ट ब्रेकफास्ट, क्रिस्पी सुपर हेल्दी 15 मिनट में बनने वाली पिनव्हील समोसा तैयार है। एंजॉय। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।